Hey, this is Element Boys and Girls. Welcome back to the channel, guys. My name is Mankan. Hope you guys are doing great. और आज का दिन है वेंसडे का और हम आ गए सुबह सुबह जिम ऑब्वियसली और अभी जिम निपटाई है. और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बताता हूँ, जो भी मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया है, मतलब मैं अभी जाके करने वाला हूँ, तो मैं हर दो दिन में ब्लॉग अपलोड करता हूँ, जिसका कि मतलब ये होता है कि इट इज डेली ब्लॉगिंग, बट ये है कि डेली ब्लॉग अपलोड नहीं होता. तो वो दो दिन की सीक्वेंस होती है जो कि आपको एक ब्लॉग में मिलती है. और बट एनीवे, पिछला जो ब्लॉग है जो मैं अब अपलोड करने जा रहा हूँ, दैट इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस दैट व्हाट इज नेक्स्ट इन माय चैप्टर, क्योंकि अब मुझे घर भी छोड़ना है. नेक्स्ट वीक में घर छोड़ रहा हूँ, उसमें पूरा डिफाइन किया. अगर नहीं देखा तो पहले वो ब्लॉग जाके देख लीजिए, तो यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट. सो व्हाई आई एम डूइंग दैट इज ऑल्सो डिफाइंड इन दैट ब्लॉग. मुझे अभी जो वर्कआउट करते करते याद आया कि भाई मैंने दो तीन ब्लॉग पहले बहुत बड़ा वादा किया था कि क्यू एन ए के सारे क्वेश्चन लूंगा, और वो जो है मैं भूल गया उसके बाद में, और तीन चार ब्लॉग और बन गया उसके बाद. बट वी आर बैक. आज जो है क्यू एन ए का क्वेश्चन पहले आंसर कर देते हैं इस ब्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले. जी भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा. उन्होंने पूछा कि भाई स्टूडेंट्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है यहाँ पे, मतलब कि लेट्स से कि आप अंडर ग्रेड ग्रेड स्टूडेंट्स हो तो आपकी कॉस्ट क्या है. तो जनरली बता देता हूँ, अगर आप ऑफ कैंपस रह रहे हो, मतलब बाहर रह रहे हो, जैसे कि रहते हैं बच्चे भी बीटेक कर रहे हैं, वो भी बाहर रहते हैं इंडिया में, यहाँ पे बीएस बोलते हैं उसको, या फिर आप एमएस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप बाहर रहते हो. तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली शेयर करते हैं अपार्टमेंट, जैसे इस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं अभी, टू बेडरूम अपार्टमेंट, इसमें हम दो लोग रहते हैं एक एक रूम में. बट यूजुअली क्या होता है जब स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी ऐसे ही रहता था, यू शेयर द अपार्टमेंट, छः से आठ लोग उस अपार्टमेंट को शेयर करते हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल आर शेयरिंग दिस अपार्टमेंट, 6 to 8, आपका जो रेंट है वो $400 to $600 तक जाएगा सिर्फ रहने का, मतलब रेंट और यूटिलिटीज़ वगैरह मिला के ही बोल रहा हूँ. तो 400 to 600, यूटिलिटी ज़्यादा नहीं होती, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो ऐसे ही डिवाइड करोगे तो ज़्यादा नहीं होती, $20-$30. तो बेसिकली इन बिटवीन एक फिगर ले लेते हैं, 400 से 600 के बीच मिलेंगे, तो लेट्स से कि आपका रेंट होगा $500. उसके बाद में मेरा ये पर्सनली एक्सपीरियंस है कि अगर आप बाहर ज़्यादा कुछ नहीं खा रहे हैं, मतलब ज़्यादा से मैं मतलब कुछ भी नहीं, अगर आप बाहर लेके खा रहे हैं और घर में जो खाना बना रहे हैं आप वही कैरी कर रहे हैं लंच के लिए सबके लिए, तो आपका जो मंथली एक्सपेंस होगा फूड का, दैट विल कम अराउंड $300. सो दैट मेक्स 5 + 3 = $800. उसके अलावा आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई भी ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूँ बच्चों को कि भाई अगर आप किसी कॉलेज में हो, इफ इट इज नॉट न्यूयॉर्क सिटी, तो फिर आप कॉलेज के पास में रहो, जाकि आपको कम्यूट ना करना पड़े, तो आपकी वहाँ पर कॉस्ट काफी बची, क्योंकि एक राइड के $2.5 जाते हैं. इमेजिन अगर आप 20 दिन 25 दिन अगर कॉलेज जा रहे हो, दो राइड ले रहे हो, तो $5 डेली के हैं, तो वहाँ पे बच्चे बचा लेते हैं थोड़े से पैसे. तो डोंट ट्राई टू कम्यूट, जस्ट वॉक, और विद इन 1 mile आप घर ले लो अपने यूनिवर्सिटी के, सो यू विल जस्ट हैव टू वॉक एंड यू विल सेव मनी देयर. तो बस ये निकल के आ गया, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ले देंगे 500 + 300 $800 जो है आपके महीने के खर्च होंगे मिनिमम, अगर आप बॉस्टन जैसे शहर में रह रहे हैं, जिसका मतलब होता है $800, और अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो अराउंड ₹56,000 और मोर, बट क्योंकि डॉलर की वैल्यू भी और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो लेट्स से कि ₹60,000 महीने आपका खर्चा है अगर आप स्टूडेंट हैं और आप 6 लोगों के साथ एटलीस्ट घर को शेयर कर रहे हैं. मौसम और ये टेम्परेचर है ना, मुझे इतना ज्यादा पसंद है. इस टाइम पे परफेक्ट टेम्परेचर हो रहा है, 19 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, बारिश हो नहीं रही है लेकिन हल्की सी एक दो बूंदे पड़ रही है, विच इज काइंड ऑफ नाइस. पुणे की याद दिलाता है, पुणे में मैं रहता था ऑलमोस्ट 2.5-3 साल, सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मैंने ब्लॉग अपलोड किया और अभी भी मेरे को जो है मेल आ गई है कि भाई साहब लीज साइन हो चुकी है, इसका मतलब ये कि हमें वो घर मिल चुका है और वो वी आर लाइबल टू पे फॉर दैट घर. मैं दिखाता हूँ कितना अमाउंट है विच आई एम लाइबल टू पे इन नेक्स्ट 1 ईयर. ओके, सो ये देख सकते हैं आपकी, ये हमारा लीज का डॉक्यूमेंट, पूरा 17 पन्ने का डॉक्यूमेंट है भाई साहब. मैंने जितना कोई मैंने काफी कोशिश की उसको पढ़ने की, तो मैंने काफी हद तक पढ़ लिया, बट एनी हियर इज इंपॉर्टेंट पार्ट, $22,800 ये मुझे पे करने 1 साल में, तो पर मंथ रेंट आता है $1,900 जो है वो हमारा 1 महीने का रेंट होगा, और टोटल जो है $22,800 1 साल में पे करने हैं. ये होता है लीज एग्रीमेंट कि आप बीच में कभी छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ रहे हो तो ये पूरे $22,000 दे दो और चले जाओ, बट $1,900 देंगे ऑब्वियसली, हम रहेंगे पूरे साल वहाँ पे, और $1,900 का मतलब ऑलमोस्ट हो गया कितना, ₹1,40,000 पर मंथ इज द रेंट ऑफ दिस अपार्टमेंट. समझ जाता है, कभी कभी गलती तो नहीं कर रहा हूँ ऐसे महंगे महंगे घर लेके, बट अब कुछ ऑप्शन नहीं है, 1 bedroom तो लेना ही था, और ऑलमोस्ट सेम रेंट है. मैंने काफी पूरा एक्सप्लोर कर लिया, बॉस्टन, कैम्ब्रिज, आगे समरविल, जितने भी नेबरहुड है आसपास बॉस्टन के, कि रेंट जो है इस टाइम पे 1700 से 2000, मतलब ऊपर तो कितना भी ले जाओ, बट एटलीस्ट 1750 से हो रहा है, और 1750 में इतने गंदे पुराने अपार्टमेंट मिल रहे, तो मैं सोचा अच्छा कि मिलने से देखे थोड़ा बहुत देखे यही न्यूज. जो कि आपको शूज दिखाए गए थे पिछले ब्लॉग में, वो मैं सोच रहा हूँ वापस करने का, और ये हमने डब्बे पैक कर दिए यहाँ पे. वापस करने का रीजन ये है क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि दैट रन्स अ लिटिल बिट बिगर. मुझे पसंद आया शू, उसका मैं एक आधा साइज छोटा दूसरा ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी, लेकिन इसको रिटर्न करना पड़ेगा. दीज टू बॉक्सेस आर गोइंग बैक टू नाइकी. एक्चुअली मैंने दो शू ऑर्डर किए थे, एक ये वाले और एक ये वाले, और इसके अंदर है जनरल रनिंग शू, ये वाले थे नाइकी एयरफोर्स 1, बट दोनों ही ये तो मेरे को पसंद भी नहीं आए, और इस वाले का साइज ज्यादा बड़ा है, तो ये दोनों रिटर्न होंगे. पूरे रूम में पीछे तबाही मची हुई है और मेरा मन भी नहीं हो रहा उसको सही करने, क्योंकि अभी मुझे 3-4 दिन में जो है मूव आउट करना ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या फायदा साफ सफाई करके. विश दिस एज वेल हैंड टू हैंड. यहाँ पर जो है एक मैंने ये वाले शू ऑर्डर किए, दीज आर नाइकी जॉर्डन M2, काफी अच्छी सेल्स हो रही है ऑर्डर दीज वन, सो हम देखेंगे कि कैसे लगते हैं वाले. और जो दूसरा ऑर्डर किया वो वही है नाइकी एयरफोर्स 1.
जो भी आपको दिखाया था कि जो हमने लीज साइन कर दिया, तो लीज साइन करने के बाद ऑब्वियसली पैसे भी देने पड़ते हैं। तो अभी जो है चेकबुक उठा लिया हमने और लड़के को देने जा रहे हैं चेक। चेक देंगे उसके साथ में वो कीज भी दे देगा। जब वो कीज दे ही देगा तो हमें फिर से अपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक बार अपार्टमेंट को देख लूंगा और आपको भी दिखाऊंगा अंदर से। शिट यार, जो है जा ही रहा था तो मैं सोचा था पैकेज भी रिटर्न कर दूंगा, वो जो डब्बे पैक करके रखे और वो अंदर ही भूल गया। ऑलराइट, डब्बे ले लिए गए, मिशन सक्सेसफुल। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस टूर, दिस होम टूर फ्रॉम हियर ऑन सेल्फ। राइट, तो जो पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही है वो जो बिल्डिंग दिख रही है लंबी चौड़ी सी, उसमें एटलीस्ट 13 या 14 फ्लोर्स हैं इन टोटल। और वही बिल्डिंग है हमारी, इसको बोलते हैं रिजर्वर टॉर्स इन केम्ब। तो अभी जो जगह हमने क्रॉस की थी वो थी इसकी हॉल, जो कि हम वहाँ से यहाँ पर आ गए। और ये इस जिम की नहीं, इस बिल्डिंग की जिम। यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, बट थोड़ी बहुत ट्रेडमिल है, एक इलेप्टिकल है कुछ, तो ये वर्कआउट करने का है। अच्छी बात ये कि यहाँ पे ये पुलिस है, विच इज वेरी यूजफुल एक्चुअली वेट ट्रेनिंग के लिए, थोड़े बहुत वेट्स और साइकिलिंग। और ये एक्चुअली मेन एंट्रेंस है इस बिल्डिंग का, जहाँ से मैं आया था वो इसका रियर एग्जिट था। दिस इज द मेन एंट्रेंस। बहुत ही अच्छा नोट लगा हुआ है यहाँ पे कि ज्यादा सुट्टा ना मारे, मतलब एक्सेसिव सुट्टा ना मारे, थोड़ा बहुत सुट्टा मार सकते हैं, कमाल है। कौन लगाता है ऐसे नोट्स? ये इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है इस अपार्टमेंट का, कि ये वाली साइड जो है, जो फ्रंट वाली साइड है वहां से दिखता है आपका पानी। ये है रिजर्वायर, जो कि पीने का पानी है बेसिकली, यही पानी पीती जनता। और सामने है बॉस्टन कॉलेज, वो जो बिल्डिंग दिख रही है आपको छोटी सी, दैट इज बॉस्टन कॉलेज का कैंपस। पीछे पूरा कैंपस है उनका। और इसकी इस वाली साइड में है हमारा अपार्टमेंट, तो लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ से शुरू था अपार्टमेंट, यहाँ से हमने की एंट्री, और एंट्री करते हैं आपकी किचन। कम्प्लीटली ऑब्वियसली एम्प्टी अपार्टमेंट, अभी इसमें मूविंग हमने की नहीं है, बट दिस इज द किचन। आई लाइक द किचन क्योंकि इसमें दो एग्जिट हैं, और उसके बाद में और ये कॉइल वाली हीटिंग है यहाँ पर भी, जैसे कि पिछले अपार्टमेंट में भी थी, वहाँ पे बर्नर नहीं है, मतलब गैस नहीं है, ये कॉइल हीट होती है, उससे ही आपका वेसल हीट होगा। और उसके बाद में ये हॉल है इस घर का, हॉल के सामने है ये ऑब्वियसली ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द सिटी। दिस इज ऑल बॉस्टन, यहाँ से बॉस्टन सिटी का व्यू है, उल्टी वाली साइड, दूसरी वाली साइड से जो है पानी का व्यू है। दूर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो है प्रूडेंशियल टावर, जो कि काफी फेमस है बॉस्टन का। वो पार्क कर रखी है मैंने गाड़ी नीचे, अगर ध्यान से देखोगे तो रोड के बराबर में, दैट इज माई कार। तो ये था इसका हॉल, और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हॉल के बराबर में है रूम, और ये है हमारा रूम। रूम भी बिल्कुल सेम ही है, सेम व्यू है क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और एकदम हॉल जैसा ही लगता है, बस यहाँ पे गेट लगा दिया ऐसा समझ लो। और ये है यहाँ पे क्लोसेट थोड़ा सा, और इसके सामने है ये थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे कुछ सामान ठूस सकते हैं आप। और इसके अंदर आएंगे अगर, यहाँ पर है बाथरूम, सो दिस इज द बाथरूम हियर, नॉट बैड। उसके बाद में यहाँ पे भी कुछ तो स्टोरेज है थोड़ी बहुत, एंड दैट इज प्रीटी मच इट माय फ्रेंड्स। ये था हमारे खाली अपार्टमेंट का टूर। इसके बाद में जो हम सामान भरेंगे, जो कि हम संडे से करना स्टार्ट करेंगे, संडे से ऑफिशियली स्टार्ट है यहाँ पे। अभी तो उसने कीज दे दी है, लेकिन आई डोंट थिंक ये भी मूव इन कर सकते हैं, बट संडे से वो मूव इन करेंगे, सामान वान सट्टा मूव करेंगे। ट्यूजडे की छुट्टी रखी है, मैं और सागर दोनों मिलकर जो है इसमें सामान ठूसेंगे, तो ट्यूजडे के बाद में आपको टूर देंगे जब कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक लास्ट चीज जो अपार्टमेंट ये दिखानी है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, यहाँ पे है अमेजोन हब के लॉकर्स बने हुए। इन हब लॉकर्स से क्या होता है कि आपका जो भी पैकेज है वो सीधे इसमें आ जाएगा, यहाँ कोड डालो और वो ओपन हो जाएगा। एक वो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये भी कि यहाँ फेंक के चले जाएंगे, यहाँ से उठा लो। सो गाइस, दिस वाज शॉर्ट एंड स्वीट टूर, अपार्टमेंट टूर, अपार्टमेंट बिल्डिंग टूर जो हमने दे दिया आपको। उसके बाद में जो है डिमांड होपफुली नहीं आएगी, क्योंकि दो दिन पहले से, तीन दिन पहले से जो लड़कों ने चला चुके थे कि भाई अपार्टमेंट का टूर तो दे दो, अपार्टमेंट का टूर एक और आएगा आपके पास, जब हम इसको फुली फर्निश कर लेंगे, मतलब अंदर सामान वान डाल देंगे, थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग कर देंगे, उसके बाद हम फिर से बनाएंगे इसकी वीडियो। बट जो मेरा अपार्टमेंट है वो एक्चुअली इस वाली साइड पर है, जो कि मैं कह रहा था कि बैक साइड है बिल्डिंग की है, क्योंकि फ्रंट नहीं है, बैक है। और यहाँ से वो वहाँ कहीं है 11th फ्लोर, और इस साइड का पूरा व्यू दिखता है, जो कि है सिटी बॉस्टन सिटी। पहली बार ही आया हूँ मैं इस जगह पे, जो हमारे घर के सामने से ट्रेन चलती है, जिसका आप सुबह शाम देखते रहते होंगे व्लॉग में भी, वो जो है उसका ये लास्ट स्टॉप है, इसको बोलते हैं बॉस्टन कॉलेज। बॉस्टन कॉलेज स्टॉप का नाम है, और ऑब्वियसली बॉस्टन कॉलेज भी बराबर है। ये पूरा एरिया कैंपस बॉस्टन कॉलेज का, यहाँ पे था यूपी स्टोर, जहाँ पे मुझे पैकेज ड्रॉप करना था, इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। और उसके साथ ही हमें यहाँ पे मिल गया है डंकिन डोनट, तो हमें कॉफी तो उठानी है।
बेसिकली ये मेरा जो है नया नेबरहुड होने वाला है नया अपार्टमेंट आने का, क्योंकि ये जगह ज्यादा दूर नहीं है वहाँ से, आई थिंक हार्डली 3 स्टॉप है वहाँ से ट्रेन के और हम यहाँ पहुंच जाते। तो आई एम गेसिंग कि अगर मैं वॉक करके भी आया तो यहाँ तक मैं आ जाऊंगा विद इन 10 मिनट्स। सो आई थिंक आई एम रियली लाइकिंग माई न्यू नेबरहुड। डंकिन डोनट एक चीज है, उसके अलावा ये देख सकते हैं लाइन से जो है थोड़े बहुत छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि कैजुअल प्लेसेस हैं जिनकी काफी इंपॉर्टेंस है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हाँ भाई लंच उठा लेते हैं कहीं से, कोई टाइम नहीं बनाने का, या शाम को उठा लेते हैं, तो उसके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो प्रीटी हैंडी, आपको गाड़ी ना निकालनी पड़े और बस आओ फटाफट कुछ ले जाओ यहाँ से, खा लो और काम करते रहो। तो ये दिस वॉज वन ऑफ माई थिंग्स जो कि मैं चाहता था कि जो मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ पे आसपास जो है कुछ छोटे मोटे रेस्टोरेंट जरूर होने। के काम निपटा दिए गए हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार से मतलब कि आज हुआ कुछ ऐसा कि जो है दिन के बीच में जाना पड़ा क्योंकि लड़के ने बुलाया था और वो 4 बजे चला जाता, तो मुझे जाना पड़ा थोड़ा सा काम छोड़ के अपना। तो वापस आके अपने डेस्क पे, जब मैं सुबह आप लोगों को बता रहा था कि भाई मैं 2 दिन का व्लॉग एक बार में डालता हूं, उसका मतलब ये कि दिन भर में कुछ ऐसा व्लॉग का कंटेंट होता नहीं मेरे पास, मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, बस अपनी डेस्क पे बैठा पढ़ाई नहीं काम कर रहा हूं। तो इसलिए जो भी होता है सुबह शाम की चीजें होती है उसमें ज्यादातर, सो दैट्स हाउ आई गेट अ लिटिल बिट ऑफ कंटेंट इन 2 डेज, तो वही अपलोड होती है। तो इसलिए बात ये कि हमारे पास व्लॉगिंग इज जस्ट फॉर फन, उसके अलावा जो मेन उसमें ज्यादातर टाइम जाता है, सारा का सारा टाइम वो बस यहाँ पे बैठ के जाता है, हमारी जितनी दुनिया जान की दुकान देख रहे हैं, दैट्स वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम। आज का सक्सेसफुल रहा या कि हमारे पास अभी नए अपार्टमेंट की एंड होपफुली जो है विल शिफ्ट वेरी सून। शिफ्टिंग करेंगे तो ऑफिस आपको दिखाएंगे, संडे को शिफ्टिंग करेंगे थोड़ी सी, उसके बाद शिफ्टिंग करेंगे ट्यूसडे को। अंटिल दैट टाइम होप यू गाइस एंजॉय दिस व्लॉग और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ थम्स अप एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैवंट डन दैट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन न्यू व्लॉग न्यू अपार्टमेंट होपफुली। ज्यादा ज्यादा एक चीज और, अब इसके बाद पक्का व्लॉग खत्म कर दूंगा, वो देखो मैं बिटकॉइन जो मैंने बताया, बिटकॉइन आई डोंट नो हाउ मेनी गाइस इंस्टाग्राम पे बताया था शायद मैंने कि बिटकॉइन जो है इज माय न्यू पेट जो कि है खरगोश, लीव देम एज वेल हियर विद दिस अपार्टमेंट, बट आई विल शो यू बिटकॉइन के बच्चे और छोटे छोटे बच्चे, उनको मैंने नाम दिया डोज कॉइन लाइट कॉइन। सो आई विल शो यू डोज कॉइन इज राइट हियर, boy right there, that is my boy Doge, look at him, so cute, that is Doge, Doge भी actually काफी बड़ा हो चुका है, ये काफी छोटा हुआ करता था सिर्फ 10 दिन पहले और 10 दिन में ये इतना बड़ा हो गया। ओह पीछे देखो स्किटल के जो लिटिल हैं वो आ गए हैं and this guy is trying to get some अंगूर, I think सागर ने डाले होंगे बाहर क्योंकि खराब होने वाले थे, सागर ने बाहर डाल दिया I think। एक चीज समझ आई कि भाई साहब अगर आपके घर में कोई भी सामान या कोई भी खाना खराब होने वाला हो उसको बाहर डाल दो, मैंने देखा कि जानवर जो है उसको खा ले कोई ना कोई तरीके की। तो मैंने तो ये चीज टेस्ट कर ली, जितनी सारी चीजें मैंने डाली, कभी राइस खराब होता है बाहर डाल दो चिड़िया खा लेती है बहुत आसानी से, आपको पता है कि खराब होने वाले या फिर एक्स्ट्रा आ गए रेस्टोरेंट से या खुद आपने बनाए, यू शुड पुट देम आउटसाइड, एटलीस्ट समबडी विल ईट। सेम थिंग हैपेंस विद अदर स्टफ, अंगूर हमारे खराब होने वाले वहां डाल दिए, चेरी जो भी फ्रूट है बाहर डाल देते हैं, स्क्विरल्स लव दैट स्टफ, और उसके अलावा थोड़ी बहुत बर्ड्स भी आती है उधर से जो कि बेरीज वगैरह खाती है, सो दे ऑल्सो ईट। बाकी जो सबसे चूजी लड़का हमारे हैं वो है बिटकॉइन, वो भाई क्या खाता है मेरे को समझ नहीं आता, मुझे लगता है सिर्फ वो घास खाता है, फ्रेश घास जो कि यहाँ पे आती है, उसके अलावा मैंने उसको कोई भी खाना ऐसे खाते हुए नहीं देखा जो कि मैंने डाला हो। बट एनीवेज व्लॉग को फाइनली खत्म कर देते हैं, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, दिस इज माय गंजन ओवर एंड। Oh, this you crazy mother...